शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की पहली खबर हमारी है वो है सेडिशन लॉ, सेडिशन एक्ट, जिसको हम राजद्रोह या फिर देशद्रोह का कानून कहते हैं। सरकार के ऊपर आरोप ये लगाया जाता है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर कोई पत्रकार हो, टीवी चैनल में एंकरिंग करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई स्टूडेंट हो या फिर किसान हो, जब भी उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, किसी कानून के विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन, तो उसके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया गया है। ठीक है, मतलब कि सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार, ठीक है, अपने खिलाफ़ जो आवाज़ उठती है उसको दबाने के लिए सेडिशन कानून लगाती है या फिर उनको परेशान करने के लिए कानून का यूज़ दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत पुराना इसका इतिहास है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेडिशन था वो लाया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, ताकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, उनको डराया जा सके। इसको ड्राफ्ट किया था ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस बाबिंगटन मैकडॉले 1837 में। सेडिशन वाज डिफाइंड एज एन एक्ट बाई हूएवर बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। ठीक है, यदि मैं बोल करके या मैं लिखित में या फिर मैं किसी संकेत के माध्यम से, ठीक है, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, या फिर, ठीक है, इससे क्या हो जाए, मेरे बोलने से, मेरे लिखने से, मेरे संकेत करने से ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन टू हेटर्ड और कंटेम्प्ट, यदि मेरे इस प्रकार के एक्ट से घृणा फैल जाती है, ठीक है, या मैं घृणा फैला रहा हूँ या फिर मैं सरकार की कोई बात नहीं मान रहा हूँ, जिस कॉन्टेम्प्ट मतलब अवमानना होता है, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवार्ड द गवर्नमेंट। ठीक है, मैं किसी को उकसा रहा हूँ, सरकार के खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ या उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, सरकार के प्रति जो डिसअफेक्शन है मतलब असहमति को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट के प्रति, जिसको इंडिया में लॉ के द्वारा स्थापित किया गया है, वो सारी चीज़ आ जाएगी सेडिशन लॉ के अंतर्गत। मतलब कि परिभाषा ऐसी है कि आप कोई भी काम कर दो, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, सेडिशन केस आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि परिभाषा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। द सेडिशन चार्ज विच वॉज इंक्लूडेड इन सेक्शन 124 है, इसमें धारा 124 से काम करती है, इंडियन पीनल कोड 1870, इसको इम्पोज किया गया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया था ताकि सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके राइटिंग्स को और स्पीचेस ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताया जाता है, कुछ लीडर थे, उनकी राइटिंग्स को, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जोगेंद्र चंद्र बोस, इनकी आवाज़ को दबाया गया, इनको दबाने की कोशिश करी गई, एंड दे वर ट्राइड अंडर सेडिशन लॉ फॉर देयर कमेंट ऑन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ यदि ये कमेंट करते थे, लिखते थे, तो उनके खिलाफ सेडिशन का लॉ लगा दिया जाता था। एज पर सेक्शन 124 सेडिशन इज ए नॉन बैनेबल ऑफेंस। ठीक है, ये गैर जमानती अपराध माना जाता है, पनिशेबल है, इसमें जेल की सज़ा हो सकती है 3 साल से लेकर के आपको जीवन भर तक की, अलोंग विथ ए फाइन, इसके साथ साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। द पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज आल्सो बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा यदि आपके ऊपर ये केस लग गया है तो रूल के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, एंड देयर पासपोर्ट इज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट, आपका जो पासपोर्ट है उसको सरकार जब्त कर लेगी। इंसिडेंटली द सेडिशन चार्ज वाज एबॉलिश्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम इन 2010। लेकिन आप देखिए, जिस देश ने ये कानून को बनाया था उसी देश ने इस कानून को ख़त्म कर दिया है, ब्रिटेन ने इसको ख़त्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म है, न्यूजीलैंड में भी ये कानून ख़त्म। व्हाट डज द लॉ कमीशन से ऑन द सेडिशन? एक लॉ कमीशन गठित किया गया था इसका अध्ययन करने के लिए, तो लॉ कमीशन ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 रिपोर्ट, वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड अपोज्ड इंक्लूजन ऑफ सेडिशन एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें बताया जा रहा है, आज के हिसाब से यदि आप देखोगे तो सेडिशन लॉ का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब लोगों को आज़ादी रहना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की
आलोचना कर सकें, उनको क्रिटिसाइज कर सकें उसके काम को, मतलब कि यदि कोई कानून उनको नहीं पसंद है तो उसके प्रति वो असहमति व्यक्त कर सकते हैं, वो ढूंढ सकते हैं कि सरकार ने जो पॉलिसी लाई है वो सही है या गलत है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं लूप होल्स इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा लॉ कमीशन ने कहा था। आगे बताया जा रहा है, एक्सप्रेशन यूज्ड इन सच थॉट माइट बी हार्श एंड अनप्लीजेंट टू सम, कुछ कुछ बेकार हो सकती है, सरकार को परेशान कर सकती है सरकार, लेकिन दैट डज नॉट रेंडर द एक्शन टू बी ब्रांडेड सेडिशन, लेकिन आप उसको सेडिशन नहीं बोल सकते। इट इज फाइंड दैट सेक्शन 124 इज शुड बी इन्वोक ओनली इन केस वेयर द इंटेंशन बिहाइंड एनी एक्ट इज टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, कोई भी कानून के खिलाफ आप ऐसा विरोध कर रहे हो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दो या फिर ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विथ वायलेंस एंड इलीगल मीन्स, मतलब सरकार को उखाड़ फेंकने का आपका इरादा वायलेंस और इलीगल साधनों के द्वारा, तब वहां पर सेडिशन केस लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या सोचना है, तो इस मामले में पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम बोलने में, ठीक है, गवर्नमेंट की आलोचना करने में, इस मामले में CJI NV रमन्ना बहुत आगे रहे हैं, ठीक है, एकदम बेधड़क रहे हैं। जुलाई 2021 की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने ऑब्जर्व किया, सेडिशन जो है अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, कॉलोनियल लॉ है, ये आज़ादी को सप्रेस करने का काम करता, दबाने का काम करता है, इसका यूज़ किया गया था महात्मा गांधी, तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर लोगों के लिए। क्या ये आज भी आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ये कानून हमारे यहाँ पर मौजूद हो? He said this addressing Attorney General KK Venugopal and Solicitor General Tushar Mehta appearing for the center. केंद्र सरकार की तरफ से इन्होंने जवाब मांगा था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है 1962 की बात है, केदारनाथ केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड करके रखा था, किसको, 124A ऑफ IPC को, मतलब इसको बरकरार रखा था, सरकार ने इसको सपोर्ट किया था कि नहीं इसको रहने दो। 1962 का ऑर्डर क्या कहता है, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ का राजा होना, वहाँ की सरकार का होना। दैट इज़ वाई सेडिशन कम्स अंडर चैप्टर 6 रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, काफ़ी दिनों के बाद इसका उल्लेख किया गया है सेडिशन लॉ का, और वैसे चर्चा में रहा ही है कंटिन्यू, सेडिशन लॉ वैसे मेरे हिसाब से तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यदि NV रमन ना रहे तो समझ लीजिए ये फिर इसका काम ख़त्म हो सकता है, कोई और आएगा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि ये रहेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये कानून ख़त्म हो सकता है। बात ऐसी है कि मान के चलो 100 लोगों के ऊपर ये केस दर्ज किया जा रहा है, तो 100 में से मात्र 2 लोगों को ही सज़ा हो रही है, इसका मतलब आपने क्या काम करा, बाकी रिपोर्टें आपकी फर्जी थी, आपने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। एज पर तो 2020 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट 2018 में क्या हुआ, 70 सेडिशन केस की फाइलिंग हुई, However, not a single person was convicted. लेकिन एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसको आप अपराध को सिद्ध कर सको कि ये देशद्रोही था। Similarly, 2019 में 93 केस फाइल हुए थे, while only 2 were convicted similarly in 2020. और जबकि सेम टू सेम रहा, 2 लोगों को ही सजा हो पाई इसमें। Similarly, 2020 में यदि बात करें 73 लोगों के ऊपर केस फाइल हुआ था और किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके ऊपर ये सेडिशन लॉ लगाया गया था, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एक्टिविस्ट दिशा रवि फॉर शेयरिंग ए टूलकिट फॉर ए ग्लोबल ऑनलाइन कैंपेन सपोर्टिंग द फार्मर प्रोटेस्ट, इन्होंने कुल मिला के फार्मर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, इसके लिए इनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था। अगेंस्ट एक्टिविस्ट हैं उमर खालिद, सजील इमाम, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तनहा, इसके अलावा गुलफिशा खातून, इसरत जहान, सफूरा जर्जर और मीरान हैदर फॉर एलीग इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स एट NTCA मीटिंग। CAA का जब विरोध हो रहा था तो उस दौरान इन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीच दिए थे, इसलिए इनके ऊपर एक केस लगाया गया था।
अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट स्टडी करने वाला है क्या ये जो केस चल रहा है इसको हम बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक बार बड़ी बेंच के पास चला गया ना तो फिर छोटी बेंच के लिए इसकी सुनवाई मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बात ऐसी रहती है कि यदि छोटी बेंच निर्णय सुनाए और दूसरा सुनाए बड़ी बेंच, तो बड़ी बेंच का माने रहता है, छोटी बेंच का माने नहीं रहता। जैसे कि 3 जज हो गए, 5 जज हो गए, 9 जज हो गए, 7 जज हो गए। CJI बेंच सेट टू होल्ड हियरिंग ऑन 10 मई, ठीक है, हियरिंग की जो डेट है 10 मई की रखी गई है। यहाँ पर कुछ कुछ सरकार का पक्ष रखा गया है और एक पक्ष सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने रखा है, और दूसरा पक्ष रखा है अपोजिट के लीडर हैं कपिल सिब्बल। सेक्शन 124 इज पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट कैन नॉट बी यूज टू साइलेंस डिसेंट एंड टेक अवे पर्सनल लिबर्टी, ऐसा इनका कहना है। मतलब कि यदि किसी की व्यक्तिगत असहमति है सरकार के नियम कानूनों के प्रति, तो आप उसके ऊपर देशद्रोह का कानून नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि केदारनाथ में जो डिसीजन आया था, केदारनाथ वाला जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो फाइनल डिसीजन, द केदारनाथ जजमेंट इज द लास्ट वर्ड ऑन द इशू ऑफ सेडिशन लॉ, इट हैज़ बैलेंस्ड वेल द राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड द राइट ऑफ फ्री स्पीच। इनका कहना है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस करता है सरकार के खिलाफ आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और सरकार को बचाए रखने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और दूसरी बात, राइट टू फ्री ऑफ स्पीच और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट दोनों के बीच में ये बैलेंस बनाने का काम करता है, इसलिए ये सेडिशन लॉ ज़रूरी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड। कोरोना में इंडिया, कोरोना के टाइम में जो इंडिया में डेथें हुई थी, बताया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कि इंडिया में डाटा कम बताया जा रहा है, 100 की जगह 50 मौतें ही दिखाई जा रही हैं इंडिया में, लेकिन रियल में वो 100 मौतें हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है। WHO की फाइनेंसिंग की यदि हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कौन सा देश कितना पैसे से मदद करता है, एसेस्ड कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 का ये डाटा है, एज ऑफ 31 मार्च 2020, $57 मिलियन पैसा देता है यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना 28, जापान 20, जापान देता है $20 मिलियन, जर्मनी देता है 14, यूनाइटेड किंगडम देता है 10, फ्रांस देता है 10, इटली देता है 7 और ब्राज़ील देता है 7, है ना। इस हिसाब से फिर उसके डिसीजन भी कुछ ना कुछ तो थोड़े से प्रभावित करते हैं WHO की बैठक में। बताया जा रहा है WHO मेनली डिपेंड करता है कि कौन देश इसको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ये स्टार्ट किया था अपना काम $5 मिलियन के साथ में, 51 मेंबर कंट्री थी, ऑल ऑफ होम साइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जब सब लोगों ने इसमें साइन किया था। आज की बात करें तो 194 देश हैं इसके सदस्य, इसका बजट हो गया $4.8 बिलियन का। US सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है इसमें, एंड हैज़ बीन इट्स एक्टिव मेंबर फॉर मैनी डिकेड, कई दशकों से इसका एक्टिव सदस्य रहा है। इसके इतिहास पर यदि हम गौर करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, विच इज़ कॉमरेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, और उसी की याद में हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। पहली मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, द एजेंसीज गवर्निंग बॉडी मानी जाती है, टू प्लेस ऑन 24 जुलाई 1948, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की पहली मीटिंग बैठक कब हुई थी, 24 जुलाई 1948 को, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। बताया जा रहा था WHO इनकॉर्पोरेटेड द एसेट्स पर्सनल एंड ड्यूटीज ऑफ द लीग ऑफ नेशंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑफिस इंटरनेशनल डी हाइजीन पब्लिक इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। अब न्यूज़ की यदि हम बात करें तो जैसे ही मैं आपको पहले ही बताया था, भारत में जो डेथें हुई हैं कोरोना से उनके आंकड़े को कम करके दिखाया गया है, तो इसी की जांच पड़ताल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है कि लगभग कितने गुना ज़्यादा केसेस हुए हैं, 10 गुना ज़्यादा। ये देख लीजिए, दोनों को आप मल्टीपल कर देंगे 9.8 × 0.48 को, तो जो आंसर है वो 4.4774 आ जाएगा।
देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो डेथें हुई हैं वो 4.7 मिलियन डेथें हुई हैं कोरोना के चलते चलते, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हमारी जो है 0.48 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। ये डाटा यहाँ पर ये बताया जाता है। रसिया ने 3 गुना कम किया है, इंडोनेशिया ने 7 गुना, लेकिन इंडिया का आंकड़ा सबसे ख़राब दिखाया जा रहा है। 10 गुना कम हमने अपनी डेथ को बताया है। US 1 गुना, ब्राज़ील 1 गुना, मेक्सिको 1 गुना, पेरू 1.4, मेक्सिको 2.4 है, और टर्की में 3.2, इजिप्ट 11। मतलब इजिप्ट का डाटा एकदम ख़राब दिखाया गया। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 2.5 गुना, मतलब लगभग 2 गुना डेथें हुई थी और उसने आधा ही बताया है। यहाँ पर इस प्रकार का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखोगे तो टोटल 47 लाख डेथ हुई हैं कोविड-19 के कारण 2020 और 21 के दौरान में। एक रिपोर्ट है जिसको WHO ने जारी किया था, थर्सडे के दिन ये न्यूज़ सामने आई है। बताया जा रहा दीज आर हाईएस्ट बाय फार, और ये एकदम आप इसको हाईएस्ट मान करके चलिए, फॉर एनी कंट्री एंड मेक अप नियरली ए थर्ड ऑफ द 15 मिलियन सच डेथ एस्टिमेटेड बाय द एजेंसी ग्लोबल। मतलब कि बताया जा रहा है ये जो मौत का आंकड़ा है ये हाईएस्ट है किसी भी देश के लिए, एंड मेक अप नियरली ए थर्ड ऑफ 15 मिलियन डेथ इज एस्टिमेटेड बाय द एजेंसी ग्लोबली। टोटल 15 मिलियन डेथें हुई हैं तो इसका नंबर लग रहा है 1/3 हिस्सा तो इंडिया ही का ही आ जा रहा है इसमें, ऐसी बात बताई जाती है। इंडिया ने ऑफिशियली एस्टिमेट किया था 4.8 लाख, जबकि WHO कह रहा है 47 लाख, मतलब लगभग लगभग 10 गुना, विच इम्प्लाइज दैट WHO एस्टिमेट इज नियरली 10 टाइम्स द गवर्नमेंट काउंट एज ऑफ मई। इंडियाज ऑफिशियल कोविड-19 डेथ टोल इज 5.2 लाख। तो आखिर हमारे लिए ये जो डाटा है WHO का महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इस डाटा के माध्यम से सरकार सही सही पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही है लगभग 5 लाख लोग मरे हैं तो वो 5 लाख लोगों के हिसाब से ही पैसा आवंटन करेगी, लेकिन यही 50 लाख हो जाता है तो सरकार को अब 50 लाख लोगों के हिसाब से पैसे को रिलीज करना पड़ेगा। इसलिए ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसा कहना है WHO का। एक्सेस डेथ आर कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ दैट हैव ऑकर्ड एंड द नंबर दैट वुड बी एक्सपेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ पेंडेमिक बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन से रिलेटेड। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हैं, तो कौन कौन से मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए जाएंगे या फिर दोनों कंट्री आपस में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन फोकस तो रहा है अपना जो रसिया यूक्रेन वार चल रहा है वो रहा है। इसके अलावा इनका कहना है कि कैसे करके हमारे इंडियन स्टूडेंट कहाँ जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। मतलब कि स्टूडेंट की मोबिलिटी, ग्रेजुएट प्रोफेशनल की मोबिलिटी एंड स्किल्ड वर्कर्स वाइल स्ट्रेंथनिंग देयर एफोर्ट टू कम्बैट इरेगुलर माइग्रेशन। आधार कार्ड को लेकर के एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है, हाई कोर्ट को जवाब दिया गया है UIDAI की तरफ से। इसमें कहा गया है कि आधार की जो डिटेल है उसको शेयर नहीं किया जा सकता फॉर क्राइम इंक्वायरी। किसी भी क्राइम की इंक्वायरी के लिए आप आधार डेटा का उपयोग नहीं कर सकते हो, ऐसा UIDAI का कहना है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट इट कैन नॉट शेयर आधार डिटेल्स सच एज कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मतलब कि क्या चीज़, जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं किया जा सकता किसको, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, टू मैच चांस प्रिंट एंड फोटोग्राफ फ्रॉम द क्राइम सीन्स। द UIDAI सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार एक्ट 2016 इज टू एम्पावर द पीपल विद ए यूनिक आइडेंटिटी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल ID के तौर पर किया जा सकता है, इसका कहीं और अदर जगह में इस्तेमाल हम नहीं करने दे सकते हैं, ऐसा UIDAI का कहना है। देयर इज ए क्लियर प्रोहिबिशन अंडर द लॉ अगेंस्ट शेयरिंग और यूजिंग कोर बायोमेट्रिक फॉर एनी रीजन व्हाटएवर।
कानून कहता है कि आप क्या कर नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते कोर बायोमेट्रिक को फॉर एनी रीज़न वाट एस ओवर, किसी भी कारण बस आप नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि जो आधार अथॉरिटी है वो कह रही है कि हम ऐसा कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आंखों की स्कैनिंग करना, आयरिस स्कैन, इसके अलावा फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग लेना बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड और प्रोसीजर सुटेबल फॉर फॉरेंसिक पर्पस, और ये आपके फॉरेंसिक पर्पस में काम कहाँ से आ जाएगी जब हम कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर यूजिंग द बायोमेट्रिक डाटा फॉर रैंडम मैचेस पर्पस मे नॉट बी टेक्नोलॉजिकली फिजिबल एंड सेल बी बियॉन्ड द प्रव्यू ऑफ एक्ट, यदि हम ऐसा डाटा शेयर कर रहे हैं तो ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा। इसके बाद वाली एक छोटी सी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे NIA से, ये रिलेटेड है, तो NIA के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। खाली हम बेसिक नॉलेज ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि भारत में आतंकवाद से यदि हमें लड़ना है तो उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई भारत सरकार की तरफ से, उसका नाम रखा गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, शॉर्टकट में कहें तो NIA इसको बोला जाता है। आतंकवाद से रिलेटेड ये अपराधों से लड़ने का काम करती है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो आतंकवाद से लड़ाई करती है और केंद्रीय एनकाउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करती है। नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था, इसके बाद से ही भारत सरकार को ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी जिसके पास एक मजबूत इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होना चाहिए। इस तरीके से NIA तब अस्तित्व में आया जब दिसंबर 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल संसद में पारित किया गया था, जिसे राज्यों के बिना आतंकवाद संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त बनाया गया था। NIA से ये हमने जानकारी देखा है, इसके अलावा भी इसके कुछ कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 पूरे भारत में और भारत के बाहर के नागरिक और भारत में पंजीकृत जहाज और विमानों पर व्यक्तियों के लिए लागू होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें बताया जा रहा है पूरे इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है भारत के बाहर भी यदि कोई इंडियंस है और वो आतंकवाद से रिलेटेड काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये जांच एजेंसी काम कर सकती है। इसके अलावा भारत में जो रजिस्टर्ड जहाज हैं और विमानों पर व्यक्तियों के लिए लागू होता है। अगर किसी भी तरह का ऑफेंस आतंक से संबंधित है तो केंद्र सरकार NIA को जांच के लिए कह सकती है। केंद्र सरकार आतंकवाद से संबंधित अपराधों की सुनवाई करने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन भी कर सकता है और ये न्यायालय अपनी किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी स्थान पर इनकी बैठक हो सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों के पास सभी पावर, विशेष अधिकार और दायित्व होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर के पास जो पावर है सेम टू सेम इनको भी पावर दी गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। राज्य सरकार आतंक से संबंधित अपराधों की जांच के लिए NIA को सभी सहायता प्रदान करेगी। NIA जो कहेगा हेल्प कहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को वैसी हेल्प करना पड़ेगा NIA की, ताकि आतंकवाद से हम अच्छे तरीके से बिना डिले किए हुए लड़ सकें। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि NIA ने अपने हाथ में लिया है एक जांच को, जो 5 केस कर चल रहे थे UAPA के अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के जो केस चल रहे थे उनको अपने अंडर में ले लिया है NIA ने, ऐसी न्यूज़ यहां पर बताई जाती। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ टेकन ओवर द प्रोब इन ए केस अर्लियर रजिस्टर्ड अगेंस्ट 5% बाई द तमिलनाडु पुलिस एलिगिंग दैट दे प्लान टू फ्लोट एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद द टेरर आउटफुट इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इनका संबंध इन संगठन से था, ये एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल से रिलेटेड, माना जाता है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसी के बारे में एक न्यूज़ आई है कि केंद्र सरकार क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र सरकार का कहना है यहाँ पर आप इस एरिया में, न्यूज़ में बताया जा रहा है कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विच वॉज सपोर्टिव ऑफ द जोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड हैड रिकमेंडेड
इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब कि कर्नाटक का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने क्या दे दिया था, प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया था एक 5-स्टार होटल बनाने के लिए। सफर्ड इज सेटबैक विद द सेंटर क्वेश्चनिंग वेदर एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी हैज़ बीन कैरीड आउट। केंद्र सरकार कह रहा है कि क्या इसके लिए कोई इन्वायरमेंटल स्टडी कैरी आउट की गई थी कि बस ऐसे ही आपने अनुमति दे दी। कर्नाटका हैड सबमिटेड ए प्रपोजल सीकिंग डाइवर्जन ऑफ 0.8 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड, 0.8 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को वो डाइवर्जन करना चाहता है, 8 नदावदा तलाक लाले विलेज इन सागर तालुक फॉर द 5-स्टार होटल इन लieu ऑफ द एग्जिस्टिंग PWD गेस्ट हाउस। और यहाँ PWD का गेस्ट हाउस भी बनने वाला बताया जा रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से REC रीजनल एम्पावर्ड कमेटी, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने न केवल एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगा है, इसके अलावा डिटेल मांगा है प्रोजेक्ट की, लेकिन इसके अलावा उन्होंने पॉइंट आउट किया है जो प्रपोज डेवलपमेंट है इस एम्ड द फ्रेगाइल इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जिस प्रकार से एकदम फ्रेगाइल हो गया है, खतरे की घंटी बज रही वहाँ, उस दौरान ये डेवलपमेंट काम किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कर्नाटक सरकार ने क्या काम किया था, 5-स्टार होटल बनाने के लिए अभी जो PWD का गेस्ट हाउस है ना, इसको डिमोलिश करने की डिमांड करी थी।